नाजिया आप कुछ बोल रही थी जी। मैं तो कह रही थी कि एक एक माँ 5 महीने तक अपने नए खाविंद के साथ बहुत खुश थी, हनीमून मना रही थी, वहां पर डिनर पार्टीज हो रही थी, हरी हरी चुनरिया लहर रही थी, बड़ी शूटिंग हो रही थी, और अचानक से माँ की ममता तड़प गई। मैं तो अपने बेटे को 5 मिनट के लिए भी दूर नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन ये कैसी माँ है जो 5 महीने तक बेटे को भूल गई और अचानक से फिर से ममता जो है वो टूट करके आ गई। देखिए हम भारतीय जितने भी हैं, हम 26/11 नहीं भूलेंगे चाहे जो भी हो जाए। हम वो चीखे नहीं भूल सकते हैं, वो लाशें नहीं भूल सकते हैं, और अजमल कसब का चेहरा भी नहीं भूल सकते हैं। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और 5 महीना वो बिताने के बाद आज कह रही है कि आज बच्चों बच्चे याद आ गए उसको। क्यों बच्चे याद आ गए? देखिए अंजू ना एक अच्छी माँ है, ना एक अच्छी बीवी है, और ना ही एक अच्छी बेटी है, और एक ना ही एक अच्छी भारतीय नागरिक है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत थी जो बॉर्डर क्रॉस, बॉर्डर ना हो गया, सर्कस का मैदान हो गया, बॉर्डर क्रॉस करके चली गई और उसके बाद हिजाब में लिपटी हुई चली आई है कि हमको बच्चा चाहिए। 5 महीना बच्चा माँ के बिना रहा, इसके बारे में उनको चिंता नहीं थी। बोलिए जी, मैं नाजिया इलाही की जो पहली बार इनकी पहली बात से इत्तेफाक करूंगा, जो पहली बात है इनकी वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि माँ है इसको याद ना आया। लेकिन दूसरा पॉइंट जो इनका ट्रेनिंग वाला है वो बिल्कुल गलत पॉइंट है, वो ऐसा बिल्कुल झूठ है ये इनका। देखिए अगर नाजिया इलाही 3 महीने के लिए पाकिस्तान आए, मैं इनसे सवाल करता हूँ नाजिया, विद रिस्पेक्ट आपसे सवाल करता हूँ, विद रिस्पेक्ट आपसे सवाल करता हूँ, आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप 3 महीने बाद आईएसआई की एजेंट बन जाएंगी? आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप आईएसआई की एजेंट बन जाएंगी? आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में मत डालिए कि आप मेरे से सवाल। मैं अथॉरिटी की नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी अथॉरिटी नहीं है कि आप कह दें कि भारतीय नागरिक सही नहीं है, किसी को आप नागरिक नहीं कह सकती। आप अपनी भारत की लड़की के खिलाफ बात कर रही हैं। आपको मैं बताऊँ, आप 3 महीने के लिए पाकिस्तान आए तो आप आईएसआई की झंड बन जाएंगी? इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें। आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप आईएसआई की झंड बन जाएंगी? ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वो आपकी भारतीय नागरिक है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे आप। आप अपनी भारतीय नागरिक को गलत कह रही हैं। आप किसी की नेशनलिटी में इतराज कर रही हैं। वो अपने पता नहीं चले उसकी गलती हो गई, आपकी गलती हम मानते हैं, लेकिन गलती में आप कहें कि वो जो है भारतीय नागरिक ही नहीं है, वो आईएसआई की एजेंट हो गई, इसका मतलब है नाजिया भी 3 महीने के लिए। अब मैं बीच में आ रहा हूँ, सुनिए बासित अली, सुनिए नाजिया, एक मिनट शांत होइए बासित अली, सुनिए। एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो पता है आपको क्या है? हमारा कोई अपना भी गलत करेगा ना तो हम ताल ठोक कर गलत कहेंगे। आप जो अपना गलत कहेगा उसे तो एक तो अजमल कसाब को आप मानते नहीं है, आप ही जाए दुनिया के सामने सच्चाई तो उसके बाद उल जुलूल तर कर कुतर करना शुरू कर दे, तो ये एक बेसिक फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो समझा करिए। शायद आप नहीं समझ पाएंगे, फखर भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे और मैं आपको थोड़ी देर में समझवा भी दूंगा। ये बेसिक फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ये समझा करिए। मैं आपको मिथिलेश भाटी जी, मैं आपको फर्क बताता हूँ। नहीं, बहुत बड़ा फर्क है भाई। आप पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, पाकिस्तान आपको बिल्कुल लिफ्ट। अरे पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है कि उसके पीछे पड़े हैं, पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है बासित, पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है, या फिर कह लीजिए पाकिस्तान ने अपने आप को उस लायक बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। आप डरते फियर आपके दिल में, आप पाकिस्तान का फियर ले आपके दिलों में, दिमागों में फियर है, हमें नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको इजी लेते हैं। पेपर में नवाज शरीफ और हम उसी करण किया। एक मिनट नाजिया, गीता भाटी जी बोल।